हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक फ्रंट साइड में लेयर कैसे करते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा पीछे से कट करना है क्योंकि इन्हें स्मूथनिंग करना है हेयर में। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा हेयर को कट करने जा रही हूँ, लेकिन सामने से मैं आपको लेयर कैसे करते हैं तो ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आप देखिएगा गाइज, मैं आपको बहुत सारे वीडियो हेयर कट के मैंने डाले हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और बहुत मेहनत से वीडियो करना पड़ती है और बहुत मेहनत के बाद में वीडियो होती है, तो इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है आपको। दैट्स इट। तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बहुत सारे मेरे जो हेयर कट के जो वीडियो मैंने डाल रखे हैं वो आसानी से आप हेयर कट कैसे करना है आसानी से मेरे वीडियो को देखकर सीख सकते हो। तो चलिए मैं फ्रंट लेयर आपको दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने अभी इस कट को सामने से दो पार्ट्स में हेयर एकदम सिंपल कट बताने जा रही हूँ। तो सामने से मैंने दो पार्ट में करना है। ध्यान से देखिएगा गाइस कि मैं इस हेयर को सिंपल तरीके से आपको आसानी से आप ये हेयर कर सकते हो सामने से फ्रंट लेयर। देखिए अभी ये जो और ये ना इनके जो बाल है ये बहुत ज़्यादा पतले हैं बालों को। अभी देखो सामने से एकदम सिंपल 90 डिग्री में एक सिंपल सा एक मैं कट लगाने जा रही हूँ स्ट्रेट। पहले क्लाइंट को पूछना है उनको कितना कट करना है क्या करना है, उस हिसाब से हमें हेयर को कट करना है। तो मैं इस कट को सिंपल देखिए कट करने जा रही हूँ। एकदम स्ट्रेट कट किया है। इनका जो हेयर है मैं एकदम सिंपल लेयर कट इसलिए कर रही हूँ गाइस क्योंकि स्मूथनिंग करने की वजह से वॉल्यूम भी नहीं देना है, क्योंकि इनको स्ट्रेट स्मूथनिंग की जाती है तो स्ट्रेट होते हैं बाल। तो देखिए ये जो मैं तिरछा कट कर रही हूँ, आप तिरछा भी कट कर सकते हो गाइस। मेरे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट भी सामने बैठे हो तो उनको भी मुझे सिखाना पड़ता है, तो मैं एक वी कट भी दे रही हूँ, दोनों तरफ से बता रही हो। स्ट्रेट भी कर सकते हो आप, दोनों तरह से आप कट करते। इसलिए देखिए तो जिस टाइप से मैंने तिरछा कट काटा था वी टाइप में, तो उससे उसको लेके भी आप तिरछा तिरछा करके भी हेयर को कट कर सकते हो, और ना तो फिर आप स्ट्रेट कट करके भी आप उसको भी लेकर गाइडलाइन बनाकर आपको हेयर कट करना है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा मैं हेयर को कट कर नहीं रही हूँ क्योंकि बालों को लंबाई रखना है क्योंकि इन्हें स्मूथनिंग जो करना है, राइट। देखिए इस तरह हमें पतले पतले सेक्शन लेना है और कट करना है। हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कट करना है गाइस, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो आपकी ग्रिपिंग है वो बहुत अच्छी रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रॉपर तरीके से ग्रिपिंग नहीं रही तो हमारे हाथ से हेयर निकल जाएंगे और कट हमारा गलत हो जाएगा। इसका ध्यान रखते हुए हमें बालों को कट करना है। देखिए पतले पतले सेक्शन लेके उसी को मैंने फॉलो किया है गाइस। ये कट जो है बहुत इजी है, आप इसे आसानी से घर में कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको ये कट अच्छा नहीं लगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, ये जो इस क्लाइंट का जो स्मूथनिंग है नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने जिसको भी स्मूथनिंग सीखना होगा तो स्मूथनिंग की वीडियो नेक्स्ट मेरी आ रही है, तो उसे ज़रूर आप देखिएगा गाइस।
तो ये था मेरा आज का फ्रंट लेयर कट, जो बहुत ही सिंपल तरीके से किया गया है और बहुत ही ज़्यादा पतले बालों में ये लेयर मैंने दिया है। आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कि आपको नहीं समझा होगा तो मैं और ज़रूर अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, मुझे एकदम बुरा नहीं लगेगा। मैं स्मूथनिंग का वीडियो लेकर आ रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Gazing up at the sky, when the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes, thought there was nothing to find. I stopped searching for a reason, just let the world embrace us. In the silence we are one. Can't escape from this feeling inside you, release from heartache, you'll be fine. When the cracks start to light, you run light through. I'll be there to help you shine.